हाय मॉमीज, वेलकम बैक। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारी जितनी भी न्यू मम्स हैं, जो मॉम टू बी हैं, जो अपने प्रेगनेंसी फेज में हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है, एंड दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन ना सिर्फ प्रेगनेंसी में बल्कि प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसकी जो एवरीडे की लाइफ है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी में कोई मदर डिप्रेशन फील करती है तो उसे हम एक स्पेसिफिक टर्म से कैटेगराइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल डिप्रेशन। हम लोगों की एक ऐसी मेंटेलिटी होती है कि हमारे साथ अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है कि हम सैड हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है जो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। इसे हम मेंटल इलनेस का नाम कभी देते ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ हो रही हैं, तो आप प्लीज ओपनली इसके बारे में बात करिए। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जब आप डिप्रेसिंग फेज में होते हैं तो आपको किसी को भी अपनी सिचुएशन बताने का मन नहीं करता, बिकॉज यू थिंक कि सामने वाला पता नहीं आपकी चीज को कैसे लेगा, वो क्या सोचेगा, इधर इट इज कॉमन और नॉट, क्या ये सबके साथ होता है कि नहीं, कहीं मेरे साथ ही तो अकेले नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि प्रीनेटल डिप्रेशन है क्या, इसके ट्रीटमेंट क्या है, क्या ये आपके बेबी को अफेक्ट करेगा, आप इससे कैसे बच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीनेटल डिप्रेशन है क्या? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी जो आप डिप्रेसिंग फेज फील करते हैं उसे हम प्रीनेटल डिप्रेशन बोलते हैं। कब इस चीज को हमें कैटेगराइज करना है कि ये प्रीनेटल डिप्रेशन है, यहाँ मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। अगर इनमें से दो चार भी सिम्टम्स ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके साथ हो रहा है तो इट कुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। ऐसे केस में आपको तुरंत अपनी हेल्प करनी चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो मुझे किससे बात करनी है, कहाँ जाना है। तो वो सिम्टम्स क्या है? मूड स्विंग्स हैं अगर आपके, इरिटेबिलिटी है अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, लैक ऑफ एनर्जी है अगर आप बहुत ही थके थके फील करते हो, बिल्कुल लैक ऑफ मोटिवेशन है अगर आपको बिल्कुल भी लाइफ में मोटिवेशन नहीं बचा, कुछ करने का मन नहीं करता आपको, या ऐसा लगता है कि ये काम मैं करूँ तो क्यों करूँ। कई बार ऐसी फीलिंग भी आती है कि डिप्रेशन के टाइम लोग खुद को हार्म करने की सोचने लगते हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपको फील हो रहा है। सोने में अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, सो नहीं पा रहे हो अगर आप प्रॉपरली, जो जनरली जो लास्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें हम प्रेग्नेंट वुमेन को स्लीपिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम बहुत सारे प्रेगनेंसी पिलोज एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों का यूज़ भी करते हैं। बट एक लॉन्ग टाइम तक अगर आपको लग रहा है कि आप रात रात भर नहीं सो पा रहे हो, किसी चीज़ में उलझे हुए हो, जगे हुए हो, अपने थॉट्स में घिरे हुए हो कहीं से, तो फिर हमें ये देखना है। इसके अलावा क्या है, अगर आपको खाने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, फीलिंग ऑफ गिल्ट अगर आपके मन में है, तो कई बार ऐसा होता है कुछ छोटी सी भी चीज़ हो गई तो हम सोचते हैं कि शायद मेरी वजह से हो गई, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, अगर ऐसा आपको कहीं लग रहा है तो। इसके अलावा आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ इन्वॉल्व होने का मन नहीं कर रहा है आपका, या फिर आपके एक लॉन्ग टाइम तक हेडेक है, बॉडी एक है, स्टमक की प्रॉब्लम आपको हो रही है। ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो यूजुअली प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, बट अगर 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा अगर ये सिम्टम्स आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रह रहे हैं तो इट कुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं जो मेरे साथ हो रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ होता है तो आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो मैं फील कर रही हूँ आजकल। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो सारे सिम्टम्स की जितने भी आप फील कर रहे हैं उस दौरान एक लिस्ट बनाइए, एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी। उसके बाद में आप ये देखिए कितने टाइम तक कौन सा सिम्टम्स आपकी डे टू डे लाइफ में रह रहा है, कि आपकी लाइफ इससे कितनी अफेक्ट हो रही है और कितने टाइम तक ये सिम्टम आपके साथ है, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब अगली बात आती है कि ट्रीटमेंट क्या है अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं। तो गाइस, दो ट्रीटमेंट होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज मेडिकेशन, जो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी बहुत सेफ नहीं माना जाता है, बिकॉज ऐसी कोई भी मेडिसिन हम नहीं खाना चाहते जो हमारे बेबी को हार्म करे। ऑल्दो मेडिकल साइंस में मेडिकेशन प्लस टॉक थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू आपको डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, तो ये बात हुई मेडिकल साइंस की। अगर हम दूसरे ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें आता है कि हम अपनी हेल्प खुद भी कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लें सिम्टम्स को। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे सेफ मुझे लगता है, दैट इज आप पहले सिम्टम्स आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद में आप अपनी हेल्प खुद बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बिकॉज गाइज, जो डिप्रेशन होता है वो आप पर तभी हावी होता है जब आप उसको खुद पर हावी होने देते हैं। जितना आप डिप्रेशन के बारे में सोचेंगे, जितना आप उसको सपोर्ट करेंगे, डिप्रेशन आपको उतना ही पुश करता जाएगा और वो आपकी जो एवरीडे की लाइफ है उसे एकदम जकड़ के रख देगा।
तो खुद की हेल्प हमें कैसे करनी है? आप कोई सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर एक्टिविटीज होती हैं, फन एक्टिविटीज होती हैं जो आपके लिए सेफ हो, जो प्रेगनेंसी के दौरान आपका डॉक्टर आपको अलाउ करता हो। दूसरा, आप योगा कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में उठिए, वॉक के लिए जाइए, जो ठंडी हवा होती है उससे आपको फ्रेश एयर मिलती है। आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम ऐसे होते हैं जो माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप वो कर सकते हैं। तीसरा, आप प्रेगनेंसी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत आजकल तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर अलग अलग सोसाइटी से प्रेग्नेंट मदर आती हैं, वहाँ पर आप अपनी सिचुएशंस के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, तो आप प्रेगनेंसी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप खुद को किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी कर लीजिए। जितना खाली रहेंगे उतना ही डिप्रेशन आप पर हावी होता रहेगा। आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आप पहले करना बहुत पसंद करते थे। मान लो कुछ लोगों को नोवेल पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ को राइटिंग करने का बहुत शौक होता है, कुछ को डांसिंग। ऑफकोर्स आप प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक है, आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, आप म्यूजिक सुनिए। मतलब कुछ भी ऐसा करिए जो आप पहले करना बहुत पसंद करते थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर स्लीप लीजिए। जितना आप अपनी बॉडी को आराम देंगे उतना आपके माइंड को भी आराम मिलेगा और आपको डिप्रेशन से भी कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी कि यू कैन नॉट बी एवरीथिंग टू एवरीवन। आप खुद का ध्यान रखिए बिकॉज आपकी जो बॉडी है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है रेस्ट की। तो अपने लिए टाइम निकालिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, खुद का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का, अपनी बाकी चीजों का प्रॉपर ध्यान रखिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए बिकॉज हेल्दी रहने के लिए हैप्पी रहना बेहद जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है, दैट इज अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है, तो प्लीज कंसल्ट टू योर पार्टनर बिकॉज ही इज द फर्स्ट वन जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। आप अपने पार्टनर से जाके बात करिए, उन्हें बताइए कि मैं ये चीजें फील कर रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, वो ही एक ऐसा बंदा है जो आपको सबसे पहले समझेगा। आप ये इसके बारे में ओपनली बात करने से बिल्कुल मत डरिए बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ एबनॉर्मल है। एवरीथिंग इज टोटली नॉर्मल। जो मोस्ट ऑफ द लेडीज के साथ इस टाइम पर प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत सारे फिजिकल इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे हॉर्मोनल इम्बेलेंसेज हो रहे हैं, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए। अब हम बात करते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, फिर भी यू थिंक लाइक कि यार डिप्रेशन मेरी लाइफ से नहीं जा रहा है, मैं अभी भी कहीं ना कहीं सैड फील कर रही हूँ, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, तो फिर आपको डॉक्टर्स के कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत है। आप जाइए, सबसे पहले अपनी गायनोलॉजिस्ट को बताइए कि मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप अपनी गायनेक को बताएंगे तो वो अकॉर्डिंगली आपको कोई भी, अगर आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या आपको थेरेपी की ज़रूरत है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्राइब कर देती है। बिकॉज अपनी गायनेक को बताए बिना आप किसी भी ऐसे डॉक्टर से मत मिलिए, कोई ऐसी मेडिसिन मत लीजिए जो आपको और आपके बेबी को उस टाइम पर हार्म करे। तो आप अपनी गायनेक के पास जाइए, वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर प्रिस्क्राइब करेगी। मे बी उनके पास और ऐसे केसेज आए हों तो अपने एक्सपीरियंस से भी आपको कुछ चीज़ें बता सकती हैं। जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो इट कुड बी कि वो आपको टॉक थेरेपी के थ्रू आपको ट्रीटमेंट देना चाहे, बिहेवियरल CBT कुछ थेरेपीज होती हैं उनके थ्रू आपको ट्रीटमेंट देना चाहे, या फिर अगर बहुत सी सेवियर कंडीशन है तो इट कुड बी गाइस कि आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़े। दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, बहुत ज्यादा उसमें ऐसा कुछ है नहीं बिकॉज डॉक्टर अगर आपको कोई मेडिसिन दे रहा है तो वो बहुत सोच समझ के देगा, वो कुछ भी आपको ऐसा नहीं देगा जिससे आपके बेबी को हार्मफुल इफेक्ट होने वाले हैं या आपकी बॉडी पर कुछ भी ऐसा नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई मदर प्रीनेटल डिप्रेशन फील करती है तो उसके क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या उससे उसके बेबी पर अफेक्ट होगा, क्या उससे उसकी लाइफ पर अफेक्ट होगा। सो गाइज, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आप डिप्रेशन में हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी तो आपकी डे टू डे लाइफ तो खराब हो ही जाती है। इसके अलावा अगर हम बेबी की बात करें तो आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम भी कई बार देखी गई है। इसके अलावा जो बेबी बॉर्न होता है, अगर मदर स्ट्रेसफुल है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी कुछ बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा देखा गया था कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो बेबी पैदा हुए थे उनमें थोड़े बहुत बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिले थे बिकॉज उस टाइम पर जो मदर थी वो बहुत स्ट्रेस में थी, तो बेबी में भी वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं देखा गया था। इसके अलावा अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप प्रीनेटल विजिट्स को स्किप कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं आपके। आप प्रीनेटल विटामिन्स को स्किप कर सकते हैं। आप प्रॉपर, ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉपर अपनी डाइट नहीं लें तो आपका जो वेट गेन है प्लस आपके बेबी के पास जो न्यूट्रिशंस, जो विटामिन्स प्रॉपर पहुंच रहे हैं वो प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो गाइज, ऑल दिस वॉज प्रीनेटल डिप्रेशन, जिसमें हमने कवर किया कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो डिप्रेशन का पार्ट है, अगर आप फील कर रहे हैं तो आप कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो
मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो आई विल एडवाइस कि यू आर नॉट ऑल अलोन. अगर आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं है. प्लीज टॉक टू योर पार्टनर. आप अपने आसपास अपनी फैमिली से बात करिए, उन्हें बताइए कि आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन. आई नो कि अगर आप डिप्रेसिंग है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपनी टू डू लिस्ट में कुछ भी ऐड करना ऐसी एक्टिविटीज को, बट गाइज यू हैव टू डू इट, बिकॉज आप ही हैं जो सबसे पहले अपनी हेल्प कर सकते हैं. अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो देयर इज नो वन जो आपको आके हेल्प करे, इधर वो डॉक्टर हो, इधर वो साइकोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो. अगर आप में खुद में मोटिवेशन नहीं है तो कोई भी नहीं है जो डिप्रेशन से आपको बाहर निकाल पाएगा. तो पहले आप खुद को मोटिवेट रखिए कि हाँ मुझे इस चीज से बाहर आना है, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज हैपनिंग विद मी, जिससे मुझे बाहर निकल के आना है. सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए. ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, बेबी केयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.